नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड। अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ, सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीरा शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना
सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंद देश पांडे सुशांत सिंह दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं, एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा, विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है, शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा, जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है, यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देश पांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही, स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर, जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म, जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है।
जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड, अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ, सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंदेश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में, हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में, स्वाति चिटनिस सिप्पा के रूप में, राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में, संजय कुमार भूरा के रूप में, अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली।
बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000
कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड, अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में सिद्धू मिश्रा, अनु मल्होत्रा के रूप में उर्मिला मातोंडकर, दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर, मिस्टर मल्होत्रा के रूप में श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता, जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत, फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे।
गाना नंबर एक जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर तीन दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर चार पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर पाँच पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड अनु मल्होत्रा और उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया।
समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपहृत लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में सिद्धू मिश्रा, अनु मल्होत्रा के रूप में उर्मिला मातोंडकर, दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में मकरंदेश पांडे, सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर, मिस्टर मल्होत्रा के रूप में श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफबीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार
यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही, स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया। बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देश पांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड। अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देश पांडे भेजता है।
अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंदेश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में, हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में, स्वाति चिटनिस सिप्पा के रूप में, राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में, संजय कुमार भूरा के रूप में, अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 अयो अयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जौली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही, स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर, जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़
हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरन देश पांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड। अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीरा शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरन देश पांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक
सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना, सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंद देश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में, हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में, स्वाति चिटनिस सिप्पा के रूप में, राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में, संजय कुमार भूरा के रूप में, अनिल यादव अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत, फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर एक जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देश पांडे हैं। गाना नंबर तीन दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर चार पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जौली मुखर्जी हैं। गाना नंबर पाँच पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद।
जंगल 2000 फिल्म जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक, और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में सिद्धू मिश्रा, अनु मल्होत्रा के रूप में उर्मिला मातोंडकर, दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर, मिस्टर मल्होत्रा के रूप में श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता
जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफबीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति, रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत, फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1, जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2, आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3, दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4, पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5, पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6, सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा
संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000। कार्यकारी समय 153 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट अनुमानित 4.75 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीरा शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंदेश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजयराज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत
संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर एक, जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर तीन, दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर चार, पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर पाँच, पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः, सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड, अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ, सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे
अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं। डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में सिद्धू मिश्रा, अनु मल्होत्रा के रूप में उर्मिला मातोंडकर, दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में मकरंदेश पांडे, सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर, मिस्टर मल्होत्रा के रूप में श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का, मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता, जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 अयो अयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जौली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही, स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया। बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरन देश पांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड। अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीरा शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को
मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंद देशपांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजयराज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफबीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जौली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन। फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों
हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है, जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक, और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड। अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ, सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है
और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बयानू के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंद देश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में, हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में, स्वाति चिटनिस सिप्पा के रूप में, राजपाल यादव विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में, संजय कुमार भूरा के रूप में, अनिल यादव अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1 जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देश पांडे हैं। गाना नंबर 3 दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4 पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5 पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक नकारात्मक भूमिका में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें।
उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में उर्मिला मातोंडकर को, अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंदेश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजयराज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी,
स्वागत समारोह, आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। 1 स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति, रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत, फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर 1, जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2, आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्य राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर 3, दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 4, पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर 5, पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6, सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म। जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकू के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में, उर्मिला मातोंडकर को अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे,
सुशांत सिंह छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ सिद्धू मिश्रा फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपराध लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में सिद्धू मिश्रा, अनु मल्होत्रा के रूप में उर्मिला मातोंडकर, दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में कश्मीरा शाह, बाली के रूप में पवन के रूप में हिमांशु मलिक, राजू खेर, मिस्टर मल्होत्रा के रूप में श्रीमती मल्होत्रा के रूप में स्वाति चिटनिस, सिप्पा के रूप में राजपाल यादव, विजयराज देशु के रूप में राम अवाना, जिंदा के रूप में गुरिंदर मक्का, मक्का के रूप में फोड़ा के रूप में संजय कुमार, भूरा के रूप में अनिल यादव, अवतार गिल मंत्री के रूप में खबरी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है,
भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत, फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर एक, जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर तीन, दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर चार, पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर पाँच, पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः, सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जंगल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जंगल 2000 फिल्म, जंगल 2000 की भारतीय सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। फिल्म डाकुओं के एक समूह के बारे में है जिसका नेतृत्व वन ब्रिगेड दुर्गा नारायण चौधरी सुशांत सिंह करता है, जो पर्यटकों के एक समूह को बंधक बना लेता है। इसमें सुनील शेट्टी ने शिवराज पुलिस प्रमुख के रूप में, उर्मिला मातोंडकर को अनु मल्होत्रा के रूप में बंधकों में से एक, और फरदीन खान सिद्धू के रूप में उसकी प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। कलाकारों की फिल्म को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे फ्लॉप घोषित किया गया था। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा अभिनीत, सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, मकरंद देशपांडे, सुशांत सिंह, छायांकन विजय अरोड़ा द्वारा संपादित, चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा। रिलीज की तारीख 14 जुलाई 2000, कार्यकारी समय 153 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट अनुमानित 4.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 14.34 करोड़। जंगल को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए। अपने प्रदर्शन के लिए सुशांत सिंह ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए IIFA अवार्ड और जी सिने अवार्ड जीता। भूखंड, अनु मल्होत्रा, उर्मिला मातोंडकर और सिद्धार्थ, सिद्धू मिश्रा, फरदीन खान एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनु अपने माता पिता को अपने भावी जीवन साथी के बारे में सूचित करने के लिए
तैयार है, लेकिन सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार समूह सफारी जैसे अभियान पर बाहर जाने का फैसला करता है। सिद्धू ने भी गुप्त जाने का फैसला किया। समूह को वन्य जीवन को काफ़ी दूर से देखने को मिलता है। त्रासदी तब होती है जब बैटिंग दुर्गा नारायण चौधरी, सुशांत सिंह और इसके गिरोह द्वारा समूह सिद्धू को छोड़कर का अपहरण कर लिया जाता है। डाकू अपहृत लोगों पर अत्याचार करते हैं और अंत में सरकार को आतंकित करने और फिरौती निकालने के लिए महिलाओं में से एक का सिर काट देते हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में अपने एक पुरुष को रिहा कर देते हैं। एक बार जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अनु को छोड़कर जिन्हें प्रमुख दुर्गा नारायण चौधरी पसंद करने लगे हैं, डाकुओं ने शेष बंधकों को छोड़ दिया। यह उसकी प्रेमिका बाली कश्मीर शाह द्वारा अस्वीकार्य है, जो गिरोह की एकमात्र महिला डाकू है। जब सिद्धू को मुक्त किए गए बंधकों में अनु नहीं मिलता है तो वह अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता दोराई मकरंद देशपांडे भेजता है। अनु की रिहाई के लिए दुर्गा नारायण चौधरी से अनुरोध करने के लिए वह चुपके से दोराई का पीछा करता है और अंत में अनु के पास पहुंचता है। आगामी हंगामे में वह उसके साथ भागने में सक्षम है। डाकुओं का पीछा करते हुए वे घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं। इस बीच बार बार पुलिस मुठभेड़ों के दौरान एक के बाद एक गोली लगने से गुंडों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल दुर्गा ही बची है। अनु के बारे में अभी भी पागल है, वह उसे खोजता है। वह अनु को एक बार फिर दूर ले जाने वाला होता है, लेकिन शिवराज सुनील शेट्टी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वह अंततः हत्या कर देता है। लेकिन अंत में सिद्धू दुर्गा की पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अनु के साथ फिर से जुड़ जाता है और फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। पेकना सुनील शेट्टी शिवराज के रूप में, फरदीन खान सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धू मिश्रा अनु मल्होत्रा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर दोराई स्वामी मद्रासी के रूप में, मकरंदेश पांडे सुशांत सिंह, दुर्गा नारायण चौधरी के रूप में, कश्मीरा शाह बाली के रूप में, पवन के रूप में, हिमांशु मलिक, राजू खेर मिस्टर मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती मल्होत्रा के रूप में, स्वाति चिटनिस सिप्पा के रूप में, राजपाल यादव, विजय राज देशु के रूप में, राम अवाना जिंदा के रूप में, गुरिंदर मक्का मक्का के रूप में, फोड़ा के रूप में, संजय कुमार भूरा के रूप में, अनिल यादव अवतार गिल मंत्री के रूप में, खबरी के रूप में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वागत समारोह आलोचनात्मक स्वीकार्यता जंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक ऑफ बीट विषय चुनने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के हकदार हैं। एक स्टार कास्ट के लिए जा रहे हैं जो वितरकों के दिल की धड़कन को तेज नहीं करेगा और उन्हें संभालेगा। विषय अत्यंत ईमानदारी के साथ यह कहने के लिए कि यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। शिव रंगीला और सत्य से बेहतर बिल्कुल सही होगा। जंगल में हर चरित्र की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। यही कारण है कि हर प्रदर्शन सबसे अलग है। दिन की समाप्ति रेडिप की अपराजिता शाह ने कहा, जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां हिंसा विश्वसनीय है, तनाव स्पष्ट है, भावनाएं विश्वसनीय हैं और प्रदर्शन वास्तविक है। गीत संगीत फिल्म के लिए संगीत संदीप चौटा ने दिया था और समीर ने गीत लिखे थे। गाना नंबर एक जाना कहाँ है तू, जान कहाँ है तू, इस गाने को कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो आयो आयो रामा, इस गाने के गायकार सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सौम्या राय, मकरंद देशपांडे हैं। गाना नंबर तीन दो प्यार करने वाले, इस गाने के गायकार सोनू निगम और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर चार पाटली कमर पतली कमर, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी, संदीप चौटा और जॉली मुखर्जी हैं। गाना नंबर पाँच पहली बार, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सॉरी बाबा, इस गाने के गायकार सोनू निगम और साधना सरगम हैं। पुरस्कार एवं नामांकन।
फिल्मफेयर पुरस्कार 17 फरवरी 2001 को दिया गया बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए संदीप चौटा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यह 16 जून 2001 को एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिन्होंने भूमिका निभाई है वो सुशांत सिंह हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम गोपाल वर्मा, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजपाल यादव और कश्मीरा शाही। स्क्रीन अवार्ड्स 20 जनवरी 2001 को दिया गया बेस्ट एक्शन एलन अमीना को, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत संदीप चौटा को, सर्वश्रेष्ठ संपादन चंदन अरोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जयदीप साहनी, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन द्वारक बारियर। जी सिने अवार्ड्स 3 मार्च 2001 को दिया गया सुशांत सिंह को, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।